बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत पाक सल्लम की उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आपकी वालदा आपको साथ लेकर मदीने में आपके दादा के ननिहाल बनू अदा बिन नजार में मिलने गई। बास कहते हैं कि अपने शोहर की कब्र की ज्यारत के लिए गई थी। उस वक्त आपकी वालदा के हमराह उम्मे ऐमन भी साथ ही थी। जब वापस आ रही थी तो रस्ते में मकाम अबुआ में इंतकाल फरमा गई और वहीं पर दफन हुई। तो उम्मे ऐमन हुजूर पाक सल्लम को वापस मक्का में लाई और आपके दादा अबुल मतलब के हवाले किया। अबुल मतलब आपकी परवरिश करता रहा और जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो अबुल मतलब ने भी वफात हुई और हस्ब वसीयत आपका चाचा अबू तालिब जो थे मौलाए कायनात शेर खुदा असदुल्लाह हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद आपके हवाले कर दिया गया। और जो कि आपके वालिद अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला के भाई थे। आपकी तरबियत का कफील हुआ। अबू तालिब ने आपकी कफालत बहुत अच्छी तरह अंजाम दी और आपकी ज़ात को अपनी ज़ात और अपने बेटों पर मुकदम रखा। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लम के सदक़े मेरे मुल्क पाकिस्तान पर खुसूसी फ़ज़्ल व करम फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।